रकावटें खत्म, रास्ते खुल गए, लाहौर की रौनकें एक बार फिर से बहाल। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को खोल दिया गया। मोटरवे पर भी एक बार फिर से गाड़ियां दौड़ने लगी। रिंग रोड जावी सगियां पुल से ट्रैफिक शहर में दाखिल। मुल्तान रोड ठोकर नियाज बेग ड्राइव इन फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक रवा दवा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस रास्ते बंद किए गए थे। मोटरवे तामीराती कामों के बायस बंद थी। स्मोक में कमी के बावजूद लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर। सुबह के वक्त शहर का AQI 290, शाम को 178 रिकॉर्ड। स्मोक तदारुक के लिए कार्रवाइयां भी जारी। 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 81 लाख के जुर्माने। आलूदगी के बायस बीमारियों के हमले भी बरकरार। बारिश न होने से भी बीमारियां फैलने लगी। नजला जुकाम और खांसी के मरीजों में तेजी से इजाफा। बारिश का भी दूर दूर तक कोई चांस नहीं। सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब की शदीद किल्लत। नए दाखिल होने वाले सैकड़ों तलबा तालिबात को मुफ्त किताबें ना मिल सकी। लाहौर में तालीमी साल के दौरान 40 लाख से ज्यादा मुफ्त किताबें तकसीम की गईं। शहर में 45 लाख से ज्यादा किताबें दरकार थी। मजीद 1.5 से 2 लाख किताबें दरकार। वालिदैन परेशान। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की मंजूरी के लिए आसानियां। मुतअद्दिद एनओसीज खत्म करके डिजिटलाइजेशन करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लिया। टीपा एनवायरमेंट जैसे एनओसीज को माइनस करके डिजिटलाइज किया जाएगा। ब्राउन एरिया में सोसाइटी लॉन्च करने पर इत्तफाक। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तकमील के करीब महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 7 अरब रुपए मांग लिए। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 3 अरब तलब। लाहौर मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन को 19.80 करोड़ रुपए जारी। मेगा प्रोजेक्ट नवाज शरीफ आईटी सिटी में पेशरफ। 5 गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज के कैंपस कायम करने में दिलचस्पी। चीन की 3, बरतानिया की 1 यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने कैंपस कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। बरतानिया चीन अफ्रीका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने कैंपस बनाने के लिए वॉकिंग मुकम्मल कर ली। बैनर्स और स्टीमर्स शहर के हुसन पर बदनुमा दाग। वजीर आला के बैनर स्टीमर हटाने के अहकाम हवा हुए। मॉडल टाउन माल रोड से मुल्हिका फैन रोड नाबा रोड पर पोस्टर्स की भरमार है। शहर में गिरा फरोशों का राज। दूध 170 के बजाय 200 रुपए फरोख। दही के 200 के बजाय 240 रुपए तक वसूल। बीफ 1100 और मटन 2700 रुपए तक बेचा जाने लगा। सब्जियां और फल भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। बिजली कंपनियों में नई भर्ती का फैसला। वजारत पावर डिवीजन ने रेगुलर की बजाय पैकेज पर भर्ती की इजाजत दे दी। भर्ती अफसरान और मुलाजमीन को पेंशन की सहूलत नहीं मिलेगी। सरकारी मराद पेट्रोल गाड़ी की सहूलत भी नहीं होगी। लाहौर पार्किंग कंपनी 2 साल से लावारिस। 22 माह से बोर्ड का एक भी इजलास ना हुआ। शहर में ओवरचार्जिंग का सिलसिला धड़ल्ले से जारी। पार्किंग साइट को ऑटोमेट करने का मंसूबा भी नामुकम्मल। बोर्ड इजलास न होने से इंतजाम बुरी तरह मुतासर। टीचिंग अस्पतालों के लिए नई डायलिसिस मशीनों की खरीदारी खटाई में पड़ गई। कंपनी 95 डायलिसिस मशीनों और 12 आरओ प्लांट की दस्तावेजात मुकम्मल ना कर सकी। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ का नई डायलिसिस मशीनों की खरीदारी का अमल इल्तवा से दोचार। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से तालीम का नुकसान। PPSC ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुलतवी किए। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी BA BSc के जिमनी इम्तहानात मुलतवी। UET का कॉन्वोकेशन मुलतवी। क्लासेस को ऑनलाइन मोड पर मुंतकिल कर दिया गया। एजुकेशन अफसरान के लिए तहरीरी इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। हेलमेट की खिलाफ वर्जी पड़ गई भारी। मोटरसाइकिल सवार को 55,200 रुपये जुर्माना। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2,000 के 24 ई चालान मौसूल। शहरी को लेन लाइन, स्टॉप लाइन और सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 9 ई चालान मौसूल। बैंक मैनेजर के कत्ल का ड्रॉप सीन। मुलजिम गिरफ्तार। वॉल्टन में मकतूल एहसन सलीम का कातिल करीबी दोस्त निकला। पैसों के लेन देन पर झगड़ा हुआ। मुलजिम ने मकतूल की बीवी से फोन के जरिए ऑनलाइन 50,000 मंगवाए। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्ला ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक वाह के बाद मियां बीवी को कत्ल करने का मामला। केस में 2 बार उम्र कैद पाने वाला मुजरिम
अपने सपूत पर बरी। सेशन कोर्ट का मुलसिम दिलबर खान को दो बार उम्र कैद देने का फैसला कालादम करार। सरकारी वकील अदालत को मुतमईन ना कर सका। अदालत ने मुलसिम की बरियत अपील मंजूर कर ली। बागरब हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल साबिक सेनेटर वकार अहमद खान जमानत मंसूख होने पर अदालत से फरार। वकार अहमद खान पर 6 अरब की करप्शन का इल्जाम है। नैब लाहौर के मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापे। नवाज शरीफ आरटी सिटी में पाकिस्तान का पहला टीयर 4 डेटा सेंटर बनेगा। बायफैंग यूनिवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन कैंपस बनाने की भी मंजूरी। बकिंघम शाह यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन भी कैंपस बनाने के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेरे सदारत ख़ासूसी इजलास में मंजूरी दी गई। पंजाब के आवाम ने तहरीक फसाद की कॉल को मुस्तरद कर दिया। कल मशहूर जमाना इंकलाब को सड़कों पर दौड़ते देखा। बुशरा बीबी लोगों को एहतजाज के लिए वरगला रही थी। अब कोई ये नहीं कह सकता कि वो सियासी नहीं। सूबाई वजीर इत्तला अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर शाफे हुसैन की जेर सदारत सरमायाकारी बोर्ड का इजलास। चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड मुंतहा अशरफ ने भी सदारत की। 6 निकाती एजेंडे पर गौर। ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील की मंजूरी। सूबाई वजीर बोले कि पंजाब को कारोबारी सरगर्मियों का मरकज बना दिया। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का साफ पानी अथॉरिटी का दौरा। सीओ सैयद जाहिद अजीज ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर बोले अथॉरिटी सूबे भर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की निगरानी करेगी। बैक में ज़रात और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मुआहदा। दस्तखत की तकरीब में सूबाई वजीर ज़रात भी शरीक हुए। आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। सुबह वजीर खेल फ़ियारत इजलास। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुजफ्फर खान सियाल, डीजे खिजर अफजाल की शिरकत। स्पोर्ट्स और रेवेन्यू की जांच पड़ताल के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम करने का फैसला। 52 नए स्टेडियम तामीर करने के साथ फूड स्ट्रीट्स दुकानें बनाने का भी फैसला। नेशनल गेम्स अक्टूबर 2025 में कराने पर गौर। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। आबिद कादरी ने सदारत की। खालिद महमूद, शौकत जावेद की शिरकत। पाकिस्तान बैडमिंटन, कराटे, वॉलीबॉल फेडरेशन के सदूर भी शरीक हुए। गवर्नर सलीम हैदर से वेमन चैम्बर लाहौर डिवीजन की मुलाकात। बानी वेमन चैम्बर लाहौर डॉक्टर शहला जावेद अकरम शामिल। शरीक बानी कैसरा शेख, सदर फलाहत इमरान, सीनियर नायब सदर फायजा नबील और दीगर भी शामिल। गवर्नर ने कहा वेमन चैम्बर्स खातिन की माली खुद मुख्तारी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कामसेट यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन। 1700 तुलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। 40 से ज्यादा तुलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। प्रोफेसर डॉक्टर साजिद कमर, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद असद हुसैन की शिरकत। ऐवान-ए-अदल में लाहौर बार का स्पोर्ट्स फेस्टिवल। दूसरे रोज लूडो और कैरम बोर्ड के मुकाबले। लाहौर बार का स्पोर्ट्स फेस्टिवल 29 नवंबर तक जारी रहेगा।